अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवार स्पोर्ट। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान जो है वापस लेने का ऐलान कर दिया। दोस्तों मोहम्मद आमिर T20 वर्ल्ड कप और दौरे इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी टीम में जल्द ही दस्तयाब होंगे। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने अपने इंटरव्यू में बहुत बड़ा बयान दे दिया, वो बहुत ही जल्द पाकिस्तानी टीम में वापस आने वाले हैं। दोस्तों मोहम्मद आमिर का अपने इंटरव्यू में क्या कहना था, मुकम्मल तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने जवार स्पोर्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर प्रेस कर आल पर क्लिक कर दें ताकि आपको क्रिकेट के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जो कि रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन एक उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू से ऐसा लगता है कि अब मोहम्मद आमिर जो है बहुत ही जल्द पाकिस्तानी टीम में वापस आने वाले हैं। दोस्तों मोहम्मद आमिर के खिलाफ काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोहम्मद आमिर IPL और इंग्लैंड टीम की तरह से खेलने वाले हैं, लेकिन जो इंटरव्यू मोहम्मद आमिर ने दिया उस इंटरव्यू से ऐसे लगता है कि ये खबरें सब झूठी हैं। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने एक इंग्लिश वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो भी खबरें मेरे खिलाफ चल रही हैं IPL खेलने की और इंग्लैंड टीम की तरफ से खेलने के लिए, वो सब की सब झूठी हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता क्योंकि मैं पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलूंगा। अब T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और मैं उसकी मुकम्मल तैयारी कर रहा हूँ। और उनका मजीद कहना था कि मेरे जो भी मामला PCB की तरफ से जो चल रहे हैं वो मैं यकीनन बहुत ही जल्द जो है मेरे मामला जो है PCB के साथ तय पा जाएंगे और मैं बहुत जल्द पाकिस्तानी टीम में वापस आने वाला हूँ। दोस्तों उनका कहना था कि मैं PSL के लिए भी बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हूँ, PSL में भी अच्छा खेलूंगा और उसके बाद मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द जो है पाकिस्तानी टीम में वापस आने वाला हूँ, PCB के साथ मेरे मामला जो है वो बहुत ही जल्द तय पा जाएंगे। दोस्तों ये मोहम्मद आमिर का एक इंग्लिश वेबसाइट को इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उनका कहना था कि जो भी मेरे खिलाफ खबरें चल रही हैं IPL और इंग्लैंड टीम की तरफ से खेलने की, वो सब की सब झूठी हैं। तो दोस्तों क्या आपको लगता है मोहम्मद आमिर को टीम में वापस आना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।